मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस द्वारा हर साल नवंबर माह में मनाए जाने वाले यातायात माह का शुभारंभ पुलिस लाइन मिर्जापुर स्थित मनोरंजन कक्ष में माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। इस दौरान मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आर के भारद्वाज मिर्जापुर के द्वारा जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार व पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह के साथ यातायात माह नवंबर 2021 का माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यातायात माह कार्यक्रम शुभारंभ के दौरान मुख्य अतिथि पुलिस उप निरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र के उपस्थिति में लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी से प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की जान जाती है, इसलिए दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया चलाते समय सीट बेल्ट का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ड्राइव करते समय कभी भी किसी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए तथा सड़क पार करते समय ग्रीन व रेड लाइट का ध्यान देना चाहिए, जिससे सड़क पर होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। हर साल की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस नवंबर माह को ट्रैफिक सुरक्षा और नियम के एनफोर्समेंट माह के रूप में मना रही है। मिर्जापुर पुलिस भी उसी क्रम के अंदर में पूरा ट्रैफिक माह के रूप में मनाया जा रहा है। आज उसी का उद्घाटन था। इस पूरे माह के अंदर में हम लोग दो एलिमेंट पर स्ट्रेस कर रहे हैं, एक अवेयरनेस पर और एनफोर्समेंट पर। अवेयरनेस, जनता का अवेयरनेस, मीडिया कर्मियों के माध्यम से अवेयरनेस डिफरेंट स्कूल्स में जाकर बच्चों का स्कूल पर अवेयरनेस, चौपाल लगाकर, ट्रैफिक चौपाल लगाकर आम जनता का अवेयरनेस, व्यापारी संगठन उन लोगों के माध्यम से भी अवेयरनेस, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट इस बार रहेगा। हम लोग चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से हमारा मैसेज ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए और उसके एनफोर्समेंट के लिए जो मैसेज सुरक्षा का होना चाहिए वो जनता के, मिर्जापुर जनपद की एक एक जनता के पास में जाए और हमारे ट्रैफिक के नियमों के पालन के लिए जो बच्चे हैं वो ट्रैफिक एम्बेसडर के रूप में काम करें, इस पर हमारा फोकस रहेगा इस बार।